आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों क्या होता है अगर हमारा मोबाइल कभी खो गया या गुम हो गया है या कभी हमारा मोबाइल टूट जाता है जो रिपेयर नहीं हो सकता है, तो हमें ये एक डर होता है कि हमारा कॉन्टेक्ट जो है, जो पुराना कॉन्टेक्ट था, इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट था, कुछ हमारे नया मोबाइल में हम कैसे ला सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके पुराने कॉन्टेक्ट आप अपने नया मोबाइल में कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, यानी अपडेट कैसे कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, वहां से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर हिंदी। सबसे पहले हम जानते हैं जैसे कि हम कोई भी कॉन्टेक्ट सेव करते हैं तो यहाँ से आपको डायलर से या डायरेक्ट आप वहाँ से कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं। एड टू कॉन्टेक्ट में जाते हैं, उसके बाद क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट से जाके हम अपना कॉन्टेक्ट सेव कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन आपको पता होना चाहिए आप जब भी कॉन्टेक्ट सेव करते हैं आपको अपना मेल में ही सेव करना चाहिए, तो आपका बेहतर रहेगा और आपका कॉन्टेक्ट कभी डिलीट नहीं होगा दोस्तों। अगर आप अपने फ़ोन में या सिम में भी सेव कर देते हैं तो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, आपके मेल में वो भी कॉन्टेक्ट सेव हो जाएंगे। उसका ट्रिक भी आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप इस तरीके से जब भी आप कॉन्टेक्ट सेव करें तो आप अपने मेल आईडी में ही कॉन्टेक्ट सेव करें। आप यहां से देख सकते हैं, आप मेल आईडी यहां से चेंज कर सकते हैं, सिम वन सिम टू जो भी करना चाहते हैं फोन से आप इस तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपका कोई भी कॉन्टेक्ट आप मोबाइल बदलना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए आपको, जब भी आप अपना मोबाइल यूज करते हैं एक दिन दो दिन बाद आपको यहाँ पर शाइनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आप हमेशा ऑन करके रखना है दोस्तों। आप सेटिंग से जाके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है अपने मोबाइल के, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट एंड बैकअप का, इसमें चले जाएंगे। उसके बाद आपको अकाउंट में चले जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे साइड ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो शाइनिंग डेटा का, आपको इसे ऑन रखना है हमेशा। अगर आप इसे ऑन रखते हो तो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट है, चाहे सिम में हो या फोन में हो, सभी कॉन्टेक्ट आपके मेल में सेव हो जाते हैं। अगर आप ये डायरेक्ट ऑन नहीं करना चाहते हो तो आप अपना मेल से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये मेल आईडी यूज करता हूँ, इसमें जाना है आपको, और आपको यहाँ पे शाइनिंग अकाउंट में जाना है और ये सभी ऑन कर देना है दोस्तों। ये सभी ऑन कर देंगे तो आपका जितने भी कॉन्टेक्ट है आपके मेल में सेव हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे नहीं आता है तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप नया मोबाइल लिए तो आपको क्या करना है, अपना मेल आईडी पहले अपने मोबाइल में अपडेट करना है, ठीक है। चाहे प्ले स्टोर से कर लो या जब आप मोबाइल ओपन करते हो तब भी आपका मेल आईडी की जरूरत पड़ती है, आप उस टाइम भी दे सकते हो। उसके बाद अगर आपका मेल आईडी यहाँ साइनिंग पे नहीं आते पूरे तो क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे गूगल में जाना है, गूगल सभी मोबाइल के आपको सेटिंग में मिल जाएंगे, गूगल में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं सेट अप एंड रीस्टोर का, आपको इसमें चले जाना है। उसके बाद आपको रीस्टोर कॉन्टेक्ट में जाना है। अगर आपके कॉन्टेक्ट का जितने भी कॉन्टेक्ट है अगर आपके फोन में डिवाइस में सेव नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे बता देगा कि आपका फोन डिवाइस में आपका इतना कॉन्टेक्ट सेव नहीं हुआ दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, योर गूगल कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिकली साइनिंग टू योर डिवाइस, यानी यहाँ पे मेरे जितने भी मेल में कॉन्टेक्ट है मेरे डिवाइस में सेव हो चुका है। अगर आपका नहीं आता तो यहाँ आपको बता देगा और आप यहाँ से डायरेक्ट सेव करते हैं, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों अगर आप साइनिंग बटन ऑन करके रखते हो हमेशा। तो इस तरीके से आप अपनी कॉन्टेक्ट सेव रख सकते हो अपने मोबाइल में, अपने जीमेल में हमेशा, और आपका कॉन्टेक्ट कभी भी डिलीट नहीं होगा दोस्तों। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।